एक्सपेंडिचर डिटेल हेड ऑफिस एंड ब्रांच, हेड ऑफिस एंड ब्रांच का ब्रांचों में मैंने क्या क्या खर्च किए। मेरा हेड ऑफिस जयपुर है क्योंकि भव्य एंटरप्राइजेस का जो एड्रेस है उसमें जयपुर दिया था, और भव्य एंटरप्राइजेस की जो ब्रांचेज हैं वो एक दिल्ली में है, एक हैदराबाद में है, एक चेन्नई में है, एक भोपाल में। इस कंडीशन में कि ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन मुझे अपनी कैरियर में शो हो, साथ में ब्रांच वाइज भी शो हो और हेड वाइज भी शो हो कि किस जगह पर किस जगह मैंने कितना खर्चा किया। इसके लिए अगर आप गाइड सर्टिफिकेट पर जाएंगे तो यहाँ पे एक कमांड दी हुई है सेलेक्ट एफ 11 अकाउंटिंग फीचर। हम हमारे यहाँ पहले में जाएंगे, हम ये हमारी गवर्नमेंट एंटरप्राइज चाहिए। अभी हमने जो सबसे पहले हम एफ 11 की कमांड में जाएंगे, ये एफ 11 की यहाँ पर कमांड है, इसमें अकाउंटिंग फीचर, अकाउंटिंग फीचर को हम एंटर करेंगे। एंटर करते हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। आज हम इसकी सेंटर मैनेजमेंट, तो कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में हम अपने कर्सर को लाएंगे और यहाँ पर इसको हम यस करेंगे। ये भी हम यहाँ पर यस करेंगे, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी ऑप्शन को हम यहाँ पर यस करेंगे, और यस करते हुए हम यहाँ से बाहर आएंगे। अगर हम बिना यस करे बाहर आ गए तो जो भी बाहर आए, अब बाहर आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे अब हम यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। हम आपको गेटवे ऑफ पेजी पर आ गए। अब गेटवे ऑफ पेजी पे जो हमारा मास्टर्स है अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री, ये हमारे दो मास्टर्स हैं। तो सॉफ्टवेयर अब हम यहाँ पर अपना तैयार कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। हमने इन्वेंट्री हमने बना दी है, ग्रुप्स के बारे में हमने स्टडी कर ली है, सर वॉइस मिसिंग। सर वॉइस मिसिंग हो रही सर।
हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही सर। अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके दिल्ली, हमने दिल्ली को हेड ऑफ हमारा हेड ऑफिस के अंदर में हमने दिल्ली को लिया। दूसरी ब्रांच है हमारी हैदराबाद। ये हमारी दिल्ली के अंदर आ गई, हेड ऑफिस के अंदर आएगी। थर्ड ब्रांच है हमारी चेन्नई। ये हम हेड ऑफिस के अंदर ले लेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी भोपाल। ये चार ब्रांच और एक हेड ऑफिस, ये सारी हमारी हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। अब हम लेजर्स को क्रिएट करेंगे। हमारी जो ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज में हमारे किस तरह का खर्चा हो रहा है, अगर देखेंगे तो फ्लाइट्स में हम खर्चा कर रहे हैं फर्नीचर पे, स्टेशनरी पर, पोस्टेज पर और स्टाफ सैलरी पर। ये चारों लेजर हमें पहले क्रिएट करने पड़ेंगे। ये चारों लेजर हम यहाँ टैली पर जाएंगे और टैली पर जाकर हम क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट कहाँ पर होते हैं? अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाकर हम यहाँ पर ग्रुप तो हमारे बाई डिफॉल्ट है, हम लेजर क्रिएट करेंगे। ये लेजर क्रिएट का मैंने ऑप्शन दिया है। यहाँ सबसे पहले मैं फर्नीचर को क्रिएट करूंगा। फर्नीचर मेरा फिक्स एसेट्स में आएगा। फर्नीचर कौन सी है? मेरी फिक्स एसेट्स। फर्नीचर खरीदा है, जनरली तो अब कच्चे बिल से माल आता नहीं, पक्के बिल से ही माल आता। तो फर्नीचर मेरा कैपिटल गुड्स कहलाएगा और कैपिटल गुड्स का मैं जीएसटी अगर लेना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ, मुझे जीएसटी इसमें मिलेगा। अगर मेरा पक्का जीएसटी का बिल है तो मैं इसको एप्लीकेबल करूंगा और एप्लीकेबल करके और फर्नीचर पे, फर्नीचर का जो लेजर क्रिएट होगा उसमें भी जीएसटी का परसेंटेज लग के मुझे इसको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये यहाँ पर अभी नॉट एप्लीकेबल कर दिया। यहाँ पर अनरजिस्टर्ड और मैंने इस लेजर को क्रिएट कर दिया। उसके बाद आता है हमारा सेकंड लेजर है। अब जब मैंने लेजर बनाया तो मैंने ये, मैं मुझे कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, इसको यस करना जरूरी है क्योंकि मैंने इसको यस नहीं कराया। अगर मैं इसको यस नहीं करूंगा तो जो मैंने वर्किंग करी है कॉस्ट सेंटर की इंफॉर्मेशन की मुझे मिलेगी नहीं। तो मैं सबसे पहले उस लेजर को यस करूंगा। तो मैं एक बार वापस बाहर निकलूंगा
क्योंकि मैंने लेजर बनाया है उसको मैं ऑल्टर के ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ ऑल्टर के ऑप्शन में जाऊंगा या मैं फर्नीचर को वापस ओपन करूंगा। फर्नीचर को ओपन करके फिर सर्च और इन्वेंट्री वैल्यू आ रहा है, इन्वेंट्री से इसका कोई लेना देना नहीं, स्टॉक स्टॉक नहीं है हमारा, यहाँ ये सेट है, लेकिन कॉस्ट सेंटर को मैं इसको एडजस्ट करूंगा, एडजस्ट नॉट एप्लीकेबल कर दिया, बाकी सब चीजें एजुकेबल है, लेकिन कॉस्ट सेंटर को यस करना बहुत जरूरी है। वापस क्रिएट के ऑप्शन में आना पड़ेगा, मैं यहाँ क्रिएट के ऑप्शन में आया और मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक नया लेजर बनाया। अब जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने नया लेजर बनाया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर जो है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने नॉट एप्लीकेबल ले लिया, कॉस्ट सेंटर में मैंने इसको यस किया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर भी आपको जीएसटी का इनपुट मिल सकता है अगर आपके पास आपका बिल है तो, लेकिन यहाँ हमने इसको नो कर दिया, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद मेरा एक एक्सपेंडिचर है पोस्टेज, जो भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है और सेंटर को मैंने यस कर दिया, इसमें भी जीएसटी एप्लीकेबल हो सकती है अगर आप बड़ी कंपनियों के साथ काम करते हैं, ब्लू लाइट और इसकी कंपनियां हैं जो पक्के बिल प्रोवाइड करती हैं, आपके जितनी भी हैं सारी प्राइवेट कोरियर सर्विसेज है उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, और वो अगर आपको पक्का बिल देंगे तो उसको जीएसटी लगा के देंगे, तो आप क्लेम करना चाहें तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी क्लेम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल किया और एक एक्सपेंडिचर है स्टाफ सैलरी, ये मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिया, अगर प्रोडक्शन में होते तो ये डायरेक्ट में जाता, और जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है सेल्स और ऑफिस से रिलेटेड है वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आए और कंट्रोल में उनको यूज कर दिए, और जीएसटी में एम्प्लॉइज के साथ जीएसटी कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल करके अब हमने हमारी चारों लेजर बना दिए। अब हम अगर किसी भी प्रकार का पेमेंट करेंगे तो हम पेमेंट में जाएंगे तो पेमेंट में आपके पास ऑलरेडी ऊपर एक ऑप्शन आ गया कॉस्ट सेंटर पब्लिक क्लासेस। अब यहाँ पर मैं हेड ऑफिस में खर्चा कर रहा हूँ तो मैं हेड ऑफिस को सेलेक्ट करूंगा, हेड ऑफिस मैंने हेड ऑफिस में सेलेक्ट करना है। अभी सिंगल एंट्री रिमोट सिस्टम होता है, हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप डबल एंट्री सिस्टम में काम करें, डबल एंट्री सिस्टम में काम करने में आसानी रहती है और जो नए स्टूडेंट होते हैं या नए लोग होते हैं उनको समझना आसान होता है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है एस12 में जाकर सेकंड वाले ऑप्शन को हम यूज करेंगे, ये लिख रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, हम इसको नो करेंगे और हम एंटर एंटर करेंगे। यहाँ पर अभी डबल एंट्री सिस्टम आ गया 12 और 2, अगर 12 और 2 भी किसी को समझ में नहीं आता है क्योंकि तो बहुत सारे नए बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि 12 और 2 क्या होता है, 12 मतलब डेबिट और 2 मतलब क्रेडिट, तो यहाँ पर फिर एक ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वापस आप एफ12 में जाइए और एफ12 में जाकर यहाँ पर आ रही है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ 2 और 1, इसको आप यस कर दीजिए। यहाँ पर ये डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आना है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन को समझना आसान होता है और 2 और 2 जब आदमी 1-2 साल काम कर लेता है तो फिर आसानी से समझ जाता है। अब मैंने फर्नीचर खरीदा है हेड ऑफिस में तो मैं डेबिट इसको करना फर्नीचर को, जबकि हम पेमेंट करते हैं पेमेंट करता हूँ फिर अपनी संपत्ति खरीदते हैं या कोई हम खर्चा करते हैं या हम उन पार्टियों को पेमेंट करते हैं जो पार्टी हमारी जिनसे हमने उधार नहीं मांगा, तो पेमेंट की जो कमांड होगी वो F5 होगी, जितनी भी हमारी कमांड है वो यहाँ राइटिंग साइड में लिखी हुई है क्योंकि अभी पेमेंट आ रहा है F5 वहाँ दिखाई नहीं है। मैंने यहाँ पर फर्नीचर किया और फर्नीचर मैंने खरीदा है रॉबिन में 50,000 रुपये का, तो मैंने यहाँ 50,500 रुपये दिखा दिए और कैश से खरीदा मैंने अभी, तो मैं इसको क्रेडिट करूँगा और यहाँ पर मैंने
कैश कर दिया और भविष्य में मैं डाल दूंगा फर्नीचर परचेज। अगर हमारे पास कोई बिल नंबर वगैरह है तो वो सारे बिल नंबर की डिटेल हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। नरेशन का एक बहुत महत्व होता है और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब जो एंट्री करते हैं तो नरेशन पे ध्यान नहीं देते। हमें हमेशा नरेशन पे ध्यान देना चाहिए और इसके अंदर पूरी डिटेल फिल करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि खर्चे वगैरह कर लो एक समय के बाद अगले साल चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी फिक्स असेट्स होती है इनका इनको हम कब सेल करते हैं, पाँच साल बाद सात साल बाद जो भी पुराने हो जाते हैं, ये पुराने हो जाते हैं जब हम उनको सेल करने जाते हैं और जब हम फर्नीचर का लेजर चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें नरेशन कुछ नहीं लिखा हुआ, खरीदा तो हमने 2020 में था 15 में था और आज 20 आ गया। रेगुलर हमारी टैली चल रही है, हम 15 में उस टैली को जाकर देखेंगे तो हमने वहाँ दिखाई नहीं देगा कि हमने कौन सी पार्टी से माल खरीदा था, क्या उसकी डिटेलिंग थी, क्या ये फर्नीचर के रूप में हमने एंट्री करा, क्योंकि हमारा फर्नीचर में टेबल है, चेयर है, इलेक्ट्रिक टेबल्स हैं, कंप्यूटर चेयर्स हैं, बहुत सारी चीजें मिलाकर हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं और कई पार्टियों से मिलकर हम फर्नीचर खरीदते हैं। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप टैली में एंट्री डालें तो अपने नरेशन को पूरा कंप्लीट डिटेल दें, अन्यथा क्या होगा कि जब 2020 में हम कोई चीज सेल करने जाएंगे तो आज आप सुबह सुबह बढ़िया से कपड़े और शर्ट पहनकर आए और आज मैनेजमेंट को चाहिए कि भाई ये फर्नीचर हमने कब खरीदा था, इसकी डिटेल निकाल के लाओ, और अकाउंटेंट जब डिटेल देखने जाएगा और उसको डिटेल नहीं मिलेगी तो मैनेजमेंट इसको स्टोर में भेजेगा, ऐसा करो पुराने वाउचर जो रखे हैं उनको उनको सर्च करो उसमें से डिटेल निकाल के लाओ 2015 से। आप सुबह सुबह ना जुड़ के तैयार होकर बढ़िया से कपड़े पहनकर आए और आपको स्टोर में भेज दिया डस्ट खाने के लिए। अब आप 2015 का रिकॉर्ड देखोगे, सारा दिन रिकॉर्ड देख के फिर आप निकाल के लाओगे तो शाम तक हालत पट्टी हो जाए। इसलिए हमें यहाँ पर नरेशन प्रॉपरली देना चाहिए जिससे कि भविष्य में हमें तकलीफ ना हो, कम से कम उन चीजों की नरेशन जरूर देनी चाहिए जो फ्यूचर में हमारे काम में आने वाली है। फर्नीचर जितनी भी हमारी असेट्स है उन सबके बारे में देना चाहिए, कोई डिस्प्यूटेड इशू है उसके बारे में देना चाहिए, किसी को हमने टर्मिनेट किया और उसको हमने पेमेंट किया, तो यहाँ पर पूरी डिटेल हमें दिखनी चाहिए जिससे कि कोई भी आदमी हो, कोई भी मैनेजमेंट का हो, कोई भी एक्स वाई जेड हो, अगर उस एंट्री को खोल के देखेगा तो यहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन पूरी प्राप्त हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब मेरे हेड ऑफिस के दूसरे खर्चे हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मैं चाहूँ तो एक ही डेट में एंट्री कर सकता हूँ और चाहूँ तो अलग अलग डेट पर भी एंट्री कर सकता हूँ। स्टेशनरी का खर्चा मैंने 10 तारीख में मैंने बुक कर लिया, यहाँ पे मैंने हेड ऑफिस को सेलेक्ट किया और सेकंड एक्सपेंडिचर है मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये मैंने 9,300 रुपए इसमें खर्च किए हैं, ये मैंने 9,300 रुपए यहाँ पे शो किए। प्रिंटिंग एंड स्टेशन जिस पार्टी से मैंने बिल खरीदा है माल खरीदा है उसकी मैं डिटेल जरूर दूं, अदरवाइज मैंने यहाँ लिखिए कैश पेड फॉर स्टेशनरी परचेज बिल नंबर 1600। नेक्स्ट हेड ऑफिस ने खर्चा किया पोस्टेज का 15 तारीख 15,400 हेड ऑफिस मैंने यहां कलेक्ट कर लिया, पोस्टेज लेजर है मैंने कलेक्ट किया, 1300 रुपये का पेमेंट है मैंने कैश किया और मैंने एंट्री डाल दी कैश की टू जिस पार्टी को दिया टू ट्रैकॉम सर्विसेज, बहुत सारी आजकल कोरियर कंपनी है ट्रैकॉम भी एक छोटी और अच्छी सर्विस दे रही है, मैंने पेमेंट किया 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को निश्चित तौर पर मैंने मार्च पिछले साल की जो सैलरी दूंगा, क्योंकि चूंकि हम जो कंपनी बना रहे हैं कंपनी क्रिएट कर रहे हैं इस साल की, तो मैं इस साल
कि जब मैंने 5 अप्रैल को शुरू किया है तो मैं अपनी सैलरी स्टाफ को बैंक की तरह अगर 30 अप्रैल को देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, पर 15 अप्रैल को नहीं दे सकता, 10 दिन का मैं डिमांड नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पर इसकी डेट 30/4 और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सैलरी पेड टू स्टाफ फ्रॉम 5th अप्रैल, क्योंकि मेरा व्यापार चालू है 15 अप्रैल 5 अप्रैल से टू 30th अप्रैल। एज पर शीट बहुत सारे लोग अभी एक्सेल पे सैलरी बनाते हैं, जहाँ छोटी फर्में होती है वहाँ एक्सेल पे सैलरी बनाई जाती है, और मैं इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। हमने हेड ऑफिस के सारे खर्चे डाल दिए, ऐसे ही हम खर्चे अब डालेंगे दिल्ली के। मैंने दिल्ली लिखा, दिल्ली ने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर 9,500 रुपए का। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कैश रेड में दिखा रहा है, कैश रेड में दिखाने का मतलब है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है लेकिन खर्च कर रही है, ऐसा होता नहीं है। अगर हमारी जेब में 5 रुपए नहीं है तो हम कचौड़ी नहीं खा सकते 5 रुपए, तो हमारी जेब में पैसा होना चाहिए। यहाँ पर पैसा कैसे आएगा, या तो मालिक पैसा डालेगा या वो किसी से लेकर पैसा देगा, तो यहाँ पे कैपिटल खड़ी होगी तभी ये पेमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक डिस्प्ले कर रहे हैं इसलिए मैं इस एंट्री को आपको दिखा, जैसे रेड आए आपको इस बात का ध्यान रखना फर्म में कैश खत्म हो गया। फर्नीचर परचेज क्या एक ऑप्शन में देता हूँ कि जो फर्नीचर की एंट्री मैंने पहले करी है उसका नरेशन मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल आ तो वो नरेशन वहां से पिछला नरेशन यहाँ पे आ गया, तो लास्ट वाला फर्नीचर परचेज। अब इसके आगे बिल नंबर वगैरह मैं डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, ये एक ऑल टार का ऑप्शन होता है जो बहुत ज्यादा काम करेंगे, आपको अपने आप याद होने लग जाएंगे। ये शॉर्टकट की है नरेशन डालने के लिए, रात रात दर किताबें बनाई जाती है वापस एंटर। अब दिल्ली का दूसरा खर्च, दिल्ली का दूसरा एक्सपेंडिचर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो मैं दिल्ली को सेलेक्ट करूंगा, मैंने दिल्ली को सेलेक्ट किया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को सेलेक्ट करके मैंने 2,000 रुपये खर्च किए हैं कैश। अब मैं यहाँ पर डेट क्या डालूंगा, 7/4 महीने में मैंने खर्चा किया और ये मैंने एक्सपेंडिचर यहाँ पर शो कर दिया। उसके बाद थर्ड एक्सपेंडिचर है मेरा 10 तारीख को पोस्टेज का दिल्ली ब्रांच के लिए, ₹650। ये मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। ये स्लाइड आप लोगों को दिखाई दे रही होगी क्योंकि मैंने ये स्लाइड आप लोग देख रहे हैं, ये 650 मैंने यहाँ पर डाला है। तीसरा है स्टाफ सैलरी, तो ये स्टाफ सैलरी को मैं दिल्ली में जाकर ट्रांसफर कर रहा हूँ दिल्ली एफ टू 30/4। स्टाफ सैलरी को मैंने सेलेक्ट किया और 50,000 मेरी सैलरी है, तो मैंने सैलरी यहाँ पर लिख दी। कंट्रोल आर कर दिन मैंने ऑल डाट करा मैंने, तो ये मेरे पास नरेशन प्राप्त हो गया। ऐसे ही अब मेरा खर्चा है हैदराबाद का, मैं हैदराबाद को सेलेक्ट करूंगा, फर्नीचर को सेलेक्ट करूंगा, फर्नीचर हैदराबाद में खरीदा है 16,800 रुपए का और ये 12 अप्रैल को खरीदा है। अब ये 12 मई क्यों हो गया, क्योंकि 30 अप्रैल लास्ट डेट होती है। अगर आपने लास्ट डेट जो डेट होगी उसके बाद वाली डेट ले जाओ, महीना चेंज कर दिया इसने यहाँ पर, मैं 12 अप्रैल की डेट है मेरी, लेकिन क्योंकि मैंने लास्ट एंट्री 30 अप्रैल को कही है तो वो अगले महीने की 12 मई मिली और मैंने खरीदा था 30/12 अप्रैल को, मुझे वापस जाना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा भाई मैंने 12/4 को खरीदा है, मैं 12/4 डालूंगा तो वो लेगा।
हैदराबाद में पहला फर्नीचर की एंट्री हम कर रहे हैं 16,800 रुपये। ये 16,800 की हमने यहाँ एंट्री करी और कंट्रोल बाहर करके हॉल बाहर करके मैंने ये ली। दिखाई दे रहा है नेक्स्ट एंट्री जो मेरी है हैदराबाद की पोस्टेज की, मैं फिर हैदराबाद को सेलेक्ट कर रहा हूँ। पोस्टेज को मैंने सेलेक्ट किया, 930 रुपये मैंने दिखाया और यहाँ पे मैंने ऑल डॉर कर दी। तो मैंने नेक्स्ट एंट्री है स्टाफ को सैलरी देने की, वापस मैं हैदराबाद को सेलेक्ट कर लूँ। 8,800 जो मैंने सैलरी दी है तो यहाँ मैंने कंट्रोल आर कर दिया, कंट्रोल आर से नहीं आ रहा तो ऑल बार करा तो वो सैलरी वाला उसमें एडॉप्ट हो गया। पर इसको मेरे को 30 अप्रैल ले जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नो कर दिया। वापस मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आकर मैं इसको 30 अप्रैल हैदराबाद के बाद चेन्नई का नंबर आता है, हमने चेन्नई को सेलेक्ट कर लिया, हमने चेन्नई को सेलेक्ट कर लिया फैजाबाद। अब मैं वहां पर डेट चेंज कर रहा हूँ कि 1-5 ले लिया, अगर मैं 10 फ्लोर करके खोलूंगा तो 10-5 की दिखाएगा तो मुझे 10-4 को खरीदा है मैंने, क्योंकि मैंने अपना ऑफिस कब बना लिया था 10 अप्रैल में बना लिया। तो 10 अप्रैल में मैंने फर्नीचर खरीद लिया और फर्नीचर की वैल्यू मेरी 19,200 रुपये, मैंने 19,200 का ये फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर परचेज चेन्नई का सेकंड एक्सपेंडिचर है मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को सेलेक्ट करूंगा। डेट मैंने इसकी 15-4 कर दी और अमाउंट है इसका 2736, ये मैंने यहाँ पर एंट्री करी है। तो इसमें अपने आप बिल लीजिए, बिल नंबर आपका चेंज होगा। नेक्स्ट आपकी एंट्री है चेन्नई में पोस्टेज की, वापस चेन्नई को सेलेक्ट करेंगे, पोस्टेज को सेलेक्ट करेंगे। पोस्टेज है चेन्नई का 1020, ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ये हमने नरेशन डाल दिया इसके एंटर पर। चौथा है स्टाफ सैलरी का पेमेंट, तो मैं वापस चेन्नई को सेलेक्ट कर रहा हूँ।